Funtush TV channel presents Sarah's Kitchen. Pakistani cuisine and Indian cuisine recipes by Sarah Khan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान। आज मैं आपके लिए गोलगप्पों की जो मीठे गोलगप्पे हैं वो किस तरीके से उसकी चटनी या मटेरियल तैयार किया जाता है और किस तरीके से वो खट्टे सर्व किए जाते हैं मैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है मैं आपको बता देती हूँ। जिन व्यूज ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो हमें ये गोलगप्पे चाहिए। देखिए, ये मैंने रेडीमेड जो मिलते हैं गोलगप्पे, मैंने वो लेके, ये चिप्स की शक्ल के होते हैं, उनको मैंने डीप फ्राई किया, तो इस तरीके से ये गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। आजकल बहुत सहूलत है, साफ सुथरे आपको ये रेडीमेड मिल जाते हैं मार्केट से, आप घर लाके उनको फ्राई कर ले तो वो इस तरह की शक्ल बन जाएगी। तो इसके साथ अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमें चीजें जरूरत है। सबसे पहले तो ये मैंने इमली ले ली है, ये इमली आधा पाव इमली थी जिसे मैंने 1 लीटर पानी में भिगो दिया था। अब मैंने इसको जो इसका पल्प है वो बीच में रहने दिया और बाकी जो गंदगी वगैरह है वो इसकी छान ली है मैंने। अब ये सिर्फ इमली का पानी रह गया है। साथ ही हमें चाट मसाले की जरूरत है, सुर्ख मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर है ये, और ये काला नमक है, ये सफेद नमक है, ये इमली की मीठी चटनी है जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, हम लिंक दे देंगे आपको, आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। ये बूंदी है, थोड़ी सी बूंदी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये दही है, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है। और ये उबले हुए चने हैं, सफ़ेद चने, बारीक चौकी हुई प्याज है, हरा धनिया ऐसे भी बारीक काट लें, और आलू इन्हें भी आप बारीक काट लें, ये बॉयल आलू हैं। तो चलिए पहले हम खट्टे गोलगप्पे तैयार करते हैं, उसके बाद फिर आपको मीठे बताते हैं किस तरीके से बनाने हैं। अच्छा, अब ये जो इमली का पानी है, देखिए इसमें से सब कचरा वगैरह जो है वो मैंने छान लिया है। इसमें आप सबसे पहले तो ये सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल कर दें, और ये है काला नमक। ये सब चीज़ें जो है मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ 1 लीटर पानी में। ये काली मिर्च है और ये नमक। अब ये तमाम मसाले आप अपने हसब जायका, हसब ज़रूरत इनको तेज़ कर सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा चाट मसाला, ये भी 1/4 टीस्पून होगा, थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाल लिया, थोड़ा सा धनिया, अब आपने क्या करना है, जितना आपको चाहिए, आपने एक बंदे को अगर सर्व करना है आप एक अलग से जो बाउल है उसमें डालें। और ये देखें, ये बूंदी जो मैंने आपको बताई थी, बूंदी थोड़ी सी जो है आप इस पानी में डाल दें, आपको पूरे पानी में बूंदी नहीं डालनी, जब आपने सर्व करना होगा तो उतने ही पानी में ये आपने बूंदी डाल दी है। अब जो गोलगप्पे हैं उनको तैयार करते हैं। अब आप ये गोलगप्पे लेके किसी भी चीज़ की मदद से आप जो है ना इसमें एक होल तैयार कर लें, क्योंकि इसकी हमने फिलिंग करनी है। होल आपने ये देखें, इतना काफी है, इसमें से ये फिलिंग हो जाएगी। बाजार में तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अपने नेल्स और गंदे जो उनके हाथ होते हैं बिल्कुल भी हाइजीन का वो ख्याल नहीं करते हैं। इस तरीके से आपके सारे गोलगप्पे तैयार कर लें। अब आपने क्या करना है, ये देखें, इस तरीके से आपने ये आलू लिए, थोड़े से चने लिए, थोड़ा सा प्याज, अगर आपको तेज मसाला पसंद है, मिर्चें भी आप हरी मिर्चें बारीक काट के डाल सकते हैं, ये धनिया आपने डाल दिया, थोड़े से आलू और डाल दिए। अब जो है ये आपने चाट मसाला इसमें अच्छे तरीके से डाल दिया। अब इस तरीके से मैं बाकी भी सारे तैयार कर लेती हूँ। अब मीठे गोलगप्पे तैयार करने के लिए भी वही देखें चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। आप है आलू जो है उन पे चाट मसाला डाल लें अच्छी तरह, इसी तरह आप चनों पे भी डाल लें। अब उसी तरीके से जो है ये फिलिंग हम करेंगे इसकी भी, ये आपने आलू डाल लेने हैं, चने,
कोशिश आपने ये करनी है कि अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको फिल करना है। देखें प्याज और ये हरा धनिया, और फिर ऊपर से आपने ये चाट मसाला इस पर छिड़क देना है। इसी तरीके से जो है आप तमाम गोलगप्पे जो है मीठे गोलगप्पे बनाने के लिए भी तैयार कर लें। अच्छा देखिए, मैंने अब तमाम जो गोलगप्पे हैं उन्हें उनकी फिलिंग कर दी है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई थी। अब ये बूंदी जो है ये थोड़ी थोड़ी आपने इसके ऊपर डालनी है इस तरीके से। ये बूंदी डाल दी। अब ये मीठी चटनी जिसका मैंने आपको बताया था कि हम इसका लिंक दे देंगे, इसकी रेसिपी में 2 से 3 मरतबा जो है बता चुकी हूँ। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ये आप बहुत जरूरी है। अब मीठी चटनी के बाद ये दही जो है मैंने आपको बताया था, इसे मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, इसमें चीनी मैंने मिलाई हुई है। अब इस तरीके से दही जो है थोड़ा थोड़ा सा आपने ये देखिए, ये दही हम डालते जाएंगे। ये बिल्कुल चाट की तरह ये होती है, थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो गार्निश कर दें ऊपर, खूबसूरत भी लगता है। थोड़ा सा प्याज कर दें गार्निश, जो आलू थोड़े से कर दें साथ, थोड़े से चने। अब चाट मसाला जो है वो छिड़क दें। चाट मसाला आप साथ भी रख दें अगर कोई तेज मसाला पसंद करता है, और मीठी चटनी जो है वो भी आप साथ रख दें। अच्छा, आजकल आपको पता है जैसे कि सब चीज़ें बंद हुई हुई हैं, दाल सेवियाँ जो हैं मुझे नहीं मिली, जो बारीक वाली होती हैं वो भी एंड में इसके ऊपर गार्निश की जाती हैं। अगर आपको वो मिले तो आप वो भी एंड पे ज़रूर वो गार्निश करें, वो बहुत ही उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ख़ूबसूरत भी लगती हैं। जी व्यूअर्स, देखें खट्टे पानी के साथ भी गोलगप्पे और मीठी चटनी के साथ भी हमने गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं। कितने साफ सुथरे तरीके से घर में हमारी ये चीज़ कितनी आसानी से तैयार हो गई है। अब आपको पता है कि ये चीज़ें घर में बनानी थोड़ी सी सबको ये लगता है कि बहुत ही मुश्किल होंगी, लेकिन जब हम घर में ये ट्राई करते हैं तो हमें मज़ा भी आता है बनाने का, और खाने में साफ सुथरी और बहुत टेस्टी बनती हैं। तो आप ज़रूर ये घर में ट्राई करें। आपको इजीली ये जो गोलगप्पे हैं बाज़ार में रेडीमेड मिल जाते हैं, आप उनको घर में लाके फ्राई करें और उसके साथ जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं साफ सुथरे पानी से आप ये बना सकते हैं। बाहर में आपको पता है किस तरह के पानी से इमली का पानी तैयार किया जाता है, कोई चीज़ भी साफ़ सुथरी नहीं होती, तो बेहतर है कि आप घर में तैयार करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। और कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जिन व्यूज ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि तमाम नोटिफिकेशन आपको इजीली हमारी मिल सकें। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के हमारी वीडियो को देखा। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।